विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान पर अरब देशों में उबाल, कुवैत सहित कई देशों में भारतीय सामानों का बॉयकॉट, मोदी सरकार से माफी मांगने को कहा। बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने भेजा समन, पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के मामले में की गई कार्रवाई, नुपुर शर्मा को 22 जून तक होना होगा पेश। विश्व हिंदू परिषद ने किया नुपुर शर्मा का बचाव, कहा अदालत तय करेगी उनका बयान कानूनी या अवैध, भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने दी सुरक्षा, जान से मारने की मिल रही है धमकी। बीजेपी ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले 38 नेताओं की पहचान, इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की दी हिदायत, कहा पहले पार्टी से ले परमिशन। सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने मूसा गांव पहुंचे राहुल गांधी, राहुल के साथ सचिन पायलट सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद, राहुल ने परिवार को दी सांत्वना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में नवनिर्मित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का किया उद्घाटन, बोले राष्ट्र निर्माण में रहेगा इसका अहम योगदान। मथुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि में की पूजा अर्चना, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। रक्षा मंत्रालय ने 76,390 करोड़ के सैन्य उपकरणों की खरीद को दी मंजूरी, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा। आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए जारी किए नए नियम, वित्तीय व्यवस्था में बढ़ती भूमिका को देखते हुए उठाए कदम। सोने चांदी के रेट में हुई गिरावट, सराफा बाजार में चांदी 924 रुपए की गिरावट के साथ 61,668 रुपए प्रति किलो के रेट पर खुली, तो सोना 262 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 50,850 रुपए के रेट पर खुला। जहीर इकबाल ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के साथ ऑफिशियल की रिलेशनशिप, जहीर इकबाल ने सोनाक्षी के बर्थडे का वीडियो किया शेयर और जाहिर किया अपना प्यार।